पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पप्पू यादव। जी हां, कांग्रेस में नए नवेले अपने पार्टी का विलय किए थे और उसके बाद पूर्णिया से बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, पूर्णिया से उन्हें सांसद बनना है, लेकिन वहाँ से बीमा भारती जो है वो खड़े हो जाती है। गठबंधन जो है, महागठबंधन राजद जो है, बीमा भारती को अपना उम्मीदवार वहाँ से बना देती है, लेकिन पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। यहाँ तक कि पप्पू यादव ये भी ऐलान कर दिए कि आगामी दो तारीख को वो वहां से नामांकन करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें बीमा भारती की, तो वो 3 तारीख को वहां से नामांकन करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय करते हैं, कांग्रेस का दामन थामते हैं और कांग्रेस के नेता बन जाते हैं, वो जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे और पूर्णिया सीट जो है पप्पू यादव जीत कर कांग्रेस के झोली में डालेंगे, उसके बाद वो ये भी कहें कि मैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस का झंडा है वो नहीं छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का आशीर्वाद मेरे साथ है, प्रियंका गांधी का विश्वास है, सोनिया गांधी का विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, पूर्णिया में जीत तय करूंगा और कांग्रेस को जो है पूर्णिया सीट जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती को जो राजद है वहां से अपनी उम्मीदवार बना दिया है, सिंबल जो होता है वो भी दे दिया है, लेकिन दोनों की जो लड़ाई है इस वक्त सड़क पर आ गई है। बीमा भारती पहली बार पप्पू यादव से गुहार लगा रही है और कह रही है कि घर के गार्जियन है, मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ कि इस तरीके से ना करे, गठबंधन का जो धर्म होता है उसे अदा करे। और गठबंधन का धर्म यही कहता है कि गठबंधन मुझे वहाँ से उम्मीदवार बनाया है तो मेरे साथ वो 3 तारीख को मेरे नामांकन में चले, ना कि वो वहाँ से चुनाव लड़ने की जिद कर बैठे। लेकिन पप्पू यादव लगातार जो है पूर्णिया में ताल ठोक रहे हैं। अगर देखने वाली बात होगी कि अगर पप्पू यादव 2 तारीख को नामांकन करते हैं और 3 तारीख को बीमा भारती नामांकन करती है, तो क्या महागठबंधन से दो दो उम्मीदवार पूर्णिया सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे और क्या पूर्णिया सीट जो है 2 उम्मीदवारों में बट जाएगी महागठबंधन में, या बिहार में महागठबंधन जो है वही टूट जाएगी? क्योंकि लगातार जो लड़ाई है पूर्णिया की वो गर्म होते जा रही है। पप्पू यादव किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है और वो सीधा कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, मैंने अपनी पार्टी का विलय भी किया कि वो मुझे पूर्णिया से टिकट दे। ऐसे में अगर ये सीट जो है राजद के खाते में चली गई है, तो आला नेताओं को बात करना चाहिए था कि पूर्णिया सीट पप्पू यादव को दिया जाए, लेकिन वहां से अगर बीमा भारती को खड़ा किया गया है तो मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। और यही कसमकस को देखते हुए बीमा भारती जो है वो पप्पू यादव से बार बार अब आग्रह कर रही है, कह रही है कि गार्जियन है, मुझे आशीर्वाद देने का काम करे, मेरे साथ 3 तारीख को मेरे नामांकन में चलने का काम करे, गठबंधन को याद दिला रही है और कह रही है कि गठबंधन का फर्ज अदा करना है पप्पू यादव को, और फर्ज यही अभी है कि गठबंधन मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया है, वैसे में मेरे साथ वो खड़े नजर आए, मेरे चुनाव प्रचार में नजर आए, मुझे आशीर्वाद देते हुए नजर आए। लेकिन दोनों की जो लड़ाई है इस वक्त लगातार सड़कों पर आ रही है। जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ राजद है, तो क्या कांग्रेस झुकती है पूर्णिया सीट को लेकर या राजद जो है वो झुककर अपना सिंबल वापस लेती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो पूर्णिया सीट पे घमासान मचा हुआ है, ये घमासान ये जरूर बता रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में भले ही
सीटों का बंटवारा हो गया हो, भले ही सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो तय हो रहे हो, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्णिया सीट की जो लड़ाई है वो गठबंधन में ही शुरू हो गई है, और ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, किस ओर जाएगी, ये तमाम लोग देखना चाह रहे हैं। और पप्पू यादव जो है इस वक्त जिद बना के रखे हुए हैं कि कांग्रेस का आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी का आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे का विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो सब जो है वो पप्पू यादव के साथ है, ये पप्पू यादव का कहना है। तो वहीं पर बीमा भारती जो है आज पप्पू यादव से बड़ी गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, आशीर्वाद मांग रही है पूर्णिया सीट को लेकर, गठबंधन का जो फर्ज होता है वो अदा करने के लिए कह रही है, उन्हें गठबंधन धर्म याद दिला रही है। ऐसे में क्या पप्पू यादव गठबंधन के चक्कर में पूर्णिया भूल जाएंगे, तमाम जो खबर है इस वक्त जो है सनसनी मचा के रखी हुई है बिहार में और गर्म नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।